ये वीडियो देख ली तो आप बच्चे का ऑटिज्म घर पे ही ठीक कर सकेंगे। बहुत से लोगों के कमेंट्स आए थे मुझे। मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो डाली थी झलक की, कि वो नॉन स्टॉप किस तरीके से बोलने लगी है। पहले बोलती नहीं थी और झलक को डॉक्टर ने माइल्ड ऑटिज्म बताया था। तो मैंने उस पर क्या क्या काम किया और किस तरीके से मैं उसको इस लेवल पर लेकर आई, ये सब वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी। और अगर आपके बच्चे भी स्क्रीन बहुत ज़्यादा देखते हैं और उनको स्पीच डिले है, बोलते नहीं हैं, बिहेवियर सही नहीं है, डॉक्टर ने ऑटिज्म बताया है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। मैं आपसे एक विनती करती हूँ कि वीडियो को स्किप कर करके ना देखें, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा और आपका वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं रहेगा कि किस तरीके से बच्चे को ठीक करें। मैंने खुद ने घर पे ही झलक को ठीक किया है बिना मेडिसिन के, और थेरेपी सेंटर भी उसको मैं लेके नहीं गई। मैं बस घर पे ही उसको ज़रूरत अनुसार मैं कुछ थेरेपी देती थी, वो भी बहुत ही लिमिटेड, एक दो महीने ही दी होगी मैंने थेरेपी उसको घर पे ही, और बाकी मैंने उसको कुछ भी थेरेपी नहीं दी है। घर पे ही नॉर्मली किस तरीके से मैंने उसको बोलना सिखाया और उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई, सोशल बिहेवियर मैंने उसका कैसे सही किया, स्कूल में कैसे मैंने एडजस्ट किया, सब कुछ वीडियो में डिटेल में बताने वाली हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। झलक जब 1.5 साल की थी तब से वो स्क्रीन देखने लगी थी। 1.5 साल के पहले वो एकदम नॉर्मल थी, आई कॉन्टैक्ट, फिंगर पॉइंटिंग, और उसका बहुत ही अच्छा था और कुछ भी उसमें सिम्टम्स नहीं था ऑटिज्म का। 1.5 साल से फिर हमने उसको टीवी दिखाने लगे। मैं उसको टीवी नहीं दिखाती थी, मेरे हस्बैंड उसको टीवी दिखाते थे, क्योंकि नाइट ड्यूटी करके ऑफिस से मेरे हस्बैंड आते थे तो उनको शांति चाहिए थी। वो ज़िद करती थी, ये चाहिए वो चाहिए, घर में परेशान करती थी, तो उसके फादर उसको टीवी लगा देते थे। तो टीवी पे वो बॉलीवुड जो न्यू सॉन्ग आते हैं वही सॉन्ग वो देखती थी, ऐसे 9XM, MTV Beats, इस तरह के जो चैनल हैं उस पर वो देखती थी। ज़्यादातर MTV Beats पे ही वो सॉन्ग देखती थी। तो पूरा दिन हमारे घर में सॉन्ग चलता रहता था टीवी पे। मैं मेरे हस्बैंड को मना करती थी कि पूरा दिन मत चलाओ, इसको मत दिखाओ, इसको आदत हो जाएगी, तो वो मेरी बात मानती नहीं थी। वो बोलते थे फिर ये रोएगी, परेशान करेगी, घर में शांति चाहिए मुझको, तो फिर मेरी नहीं चल पाती थी। फिर वो उसको दिखाते गए स्क्रीन। फिर 1.5 साल से जब वो 2 साल की हो गई झलक, तो उसमें मुझे बहुत सारे ऑटिज्म के सिम्टम्स दिखने लगे, जो कि मतलब पहले मैं भी नहीं जानती थी कि ऑटिज्म क्या होता है, और मतलब वो अजीब ही लगने लगी और हमको लगता था कि कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम है, मुझे लगने लगी थी। फिर मैं मेरे मायके गई, ससुराल गई, तो वहाँ भी उन लोगों ने बोला कि इसमें मतलब कुछ हमें प्रॉब्लम लग रही है। मेरी मम्मी ने बोला कि इसमें कुछ प्रॉब्लम लग रही है, क्योंकि ये बोलती भी नहीं है ना, टॉयलेट और सुसु की भी नहीं बताती है, पॉटी की भी नहीं बताती है, ना बोलती, ना किसी की बात को सुनती समझती, और ये कुछ सीखना ही नहीं चाह रही है, तो इसको मतलब तुम ध्यान दो, इसको बोलना सिखाओ, इस पर ध्यान क्यों नहीं देती हो तुम। तो तब मैं YouTube चैनल एक और था मेरा, उस पर मैं काम करती थी, तो फिर मैं वो TV देखती रहती थी, मैं अपना काम करती थी। हालांकि मैं मना ही करती थी हस्बैंड को कि TV मत दिखाओ। जब हस्बैंड ऑफिस चले जाते थे तो मैं TV बंद कर देती थी, मैं TV की जिद करती थी तो भी मैं उसको TV नहीं देती थी। पर बहुत दिन हो गए थे जब वो उसको ज़्यादा ही आदत लग गई, तब मुझे मजबूरी में TV उसको दिखाना पड़ता था, तब मैं अपना काम कर पाती थी। तो ऐसे करके उसकी TV की आदत बनती गई। तो जैसे जैसे वो बड़ी होती गई तब भी वो TV देखती थी। फिर उसमें एक और बहुत बुरी आदत आ गई कि वो बच्चों को मारती थी, कोई भी बच्चा हो मारती थी, पिंच करती थी, बाल खींचती थी, मतलब चुपचाप नहीं बैठती थी। और घर में भी कोई आता था रोने लगती थी, गेट जो जो से ठोकने लगती थी, उसको अच्छा नहीं लगता था, उसको अकेला अकेला रहना ही पसंद था, क्योंकि हम यहाँ न्यूक्लियर फैमिली में रहती थी और उस टाइम कोरोना भी चल रहा था, इस वजह से हम उसको बाहर भी कहीं लेके नहीं जाते थे, घर ही घर में वो रहती थी और स्क्रीन TV देखती रहती थी, तब हम उसको मोबाइल नहीं देते थे। जब झलक 2 साल की थी तभी मुझे लगा कि इसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मेरी मम्मी ने बोला कि बोलती नहीं है, मुझे तो तुम्हारी लड़की पागल जैसी लगती है, इसको ध्यान दिया करो, इसको बोलना सिखाओ, पढ़ना सिखाओ, सब सिखाओ।
मेरी क्या आदत है कि कुछ भी प्रॉब्लम होती है जैसे हेल्थ रिलेटेड या कोई भी समस्या आती है तो मैं यूट्यूब पे गूगल पे मैं सर्च करके देखती हूँ कि क्या है ये बीमारी, क्या है क्या नहीं है। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च करके देखा तो फिर मेरे सामने ऑटिज्म आया। फिर मैंने और यूट्यूब पे सर्च किया तो मुझे पता चला कि वर्चुअल ऑटिज्म कुछ होता है। फिर मैंने और डिटेल में पढ़ना सुनना शुरू कर दिया वर्चुअल ऑटिज्म के बारे में। फिर मैंने दिमाग में सोचा, हमारे घर के पास भी एक लड़की रहती थी वर्चुअल ऑटिज्म की, तो फिर उसके बारे में भी मैंने सोचा तो मैं समझ गई कि हाँ स्क्रीन की वजह से ही इसे ये सब हो रहा है। क्योंकि हमारे घर के सामने जो लड़की रहती थी वो भी ज़्यादा नहीं बोलती थी किसी से और उसका बिहेवियर भी कुछ ऐसा ऐसा ही था क्योंकि वो भी मोबाइल ज़्यादा देखती थी। फिर मुझे लगा जब झलक 2 साल की थी तब मैं समझ गई थी कि इसको वर्चुअल ऑटिज्म हो रहा है और वो भी स्क्रीन की वजह से हो रहा है। पर मेरे हस्बैंड मेरी चालने नहीं देते थे, मैं बोलती थी स्क्रीन मत दिखाओ, टीवी मत दिखाओ, वो ज़बरदस्ती टीवी चला देते थे। ऐसे ऐसे करके वो 3 साल की हो गई झलक। फिर 3 साल 2 महीने की हुई तो हमने उसका स्कूल में एडमिशन करवाया। प्ले ग्रुप टाइप का स्कूल है, किड्जी नाम था स्कूल का, छोटा ही स्कूल था। तो हमने सोचा कि ये अभी मतलब इसका बिहेवियर भी सही नहीं है, बोलती भी नहीं है, इसलिए छोटे ही स्कूल में अभी इसको डालें। तो मेरे हस्बैंड तो तब भी मना कर रहे थे, अभी तो बच्ची की खेलने की उम्र है, एडमिशन क्यों करवा रही हो। फिर मैंने स्टैंड लिया, मैंने बोला तुम नहीं जा रहे एडमिशन करवाने तो मैं जा रही हूँ। मैं अकेली जाने लगी तो मेरे हस्बैंड बोले रुको मैं अभी चलता हूँ। तो हमने उसका एडमिशन करवाया। फिर जैसे जैसे वो स्कूल गए, शुरू के 10 दिन तो वो रोती रहती थी, कुछ भी नहीं करती थी, ना वर्कशीट करती थी, ना किसी से बात इंटरेक्शन, कुछ भी नहीं करती थी। उस टाइम झलक नीड बेस ही बोलती थी, यानी कि 2 वर्ड के सेंटेंस वो बोल लेती थी, ऐसे पानी चाहिए, रोटी चाहिए, और स्कूल में मतलब पानी, मतलब 1 वर्ड ही बोल लेती थी। घर पे वो नीड बेस ज़रूरत पड़ती थी चॉकलेट चाय, ऐसे 2 वर्ड के सेंटेंस लिमिटेड बोल लेती थी, ज़्यादा कुछ नहीं बोलती थी। कमांड फॉलो बहुत कम करती थी, आई कॉन्टैक्ट भी कम था उसका, नेम रिस्पॉन्ड भी कम था उस टाइम। फिर 3 साल 2 महीने की हुई तो शुरू के 10 महीने तो वो रोती थी, फिर उसके बाद उसने रोना बंद कर दिया। फिर वो बैठने लगी, फिर बैठने लगी तो सही से नहीं बैठती थी, पैर फोल्ड करके नहीं बैठती थी, और फिर उसने बच्चों को मारना चालू कर दिया। अगस्त की बात है, अगस्त के महीने में 15 अगस्त था उस टाइम, तो सब बच्चे डांस कर रहे थे, उसको भी डांस करने खड़ा किया पर वो डांस नहीं कर रही थी, चुपचाप खड़ी थी। और फिर क्लास में बच्चों को डेली मारती थी, कहीं पिंच करती थी, बाल खींचती थी, वो टीचर की बात नहीं सुनती समझती थी, जो बोलते थे टीचर वो नहीं मानती थी, और वर्कशीट भी टीचर हाथ पकड़ के करवाती थी तो उसको सेंसरी इशू थे तो वो नहीं पकड़ पाती थी, रोने लगती थी, ना तो वो लिख पाती थी ना वो पढ़ पाती थी उस टाइम। फिर स्कूल वाले जो सर हैं, बार बार कंप्लेंट आती थी, उन्होंने बोला कि आपकी लड़की को डॉक्टर को दिखाओ, हमें कुछ प्रॉब्लम लग रही है इसमें, ये बच्चों को मारती है और अभी आपकी लड़की छोटी है, अगर अभी आप डॉक्टर को दिखा लोगे तो आपकी बच्ची जल्दी ही ठीक हो जाएगी, और अगर आप ध्यान नहीं दोगे और डॉक्टर को नहीं दिखाओगे तो ये समस्या बढ़ जाएगी और बाद में ये सही भी नहीं होगी। तो फिर हम डॉक्टर के पास गए, फिर डॉक्टर ने बोला कि हाँ इसको, डॉक्टर ने ज़्यादा कुछ नहीं 5 मिनट देखने के बाद उसको बोल दिया कि इसको माइल्ड ऑटिज्म है, क्योंकि झलक को डॉक्टर बुला रहे थे कि झलक झलक इधर आओ इधर आओ। तो जो मरीज़ के लिए टेबल रहती है लेटने वाली जिसमें इंजेक्शन लगाते हैं, तो वो टेबल पे जाके वो बैठ गई, खड़ी होने लगी, इधर उधर घूमने लगी, डॉक्टर की ओर नहीं देख रही थी, हम भी चिल्ला रहे झलक झलक इधर आओ, नेम रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही थी। तो डॉक्टर तुरंत वो समझ गया, डॉक्टर बोलने लगा कि इसको माइल्ड ऑटिज्म है, और डॉक्टर ने पूछा और क्या सिम्टम्स हैं, तो हमने बोला बोलती नहीं है और आई कॉन्टैक्ट नहीं करती है, नेम रिस्पॉन्ड कम है, हमने सब उसको बताया। तो उसने बोला कि इसकी स्क्रीन 0 कर दो। तो मैंने डॉक्टर को बोला कि इसको वर्चुअल ऑटिज्म है या क्लासिक ऑटिज्म, तो डॉक्टर ने बोला कि वर्चुअल ऑटिज्म जैसा कुछ होता नहीं है, लोगों ने ही बना रखा है कि वर्चुअल ऑटिज्म स्क्रीन से होता है, आजकल कोरोना के बाद से सब वर्चुअल ऑटिज्म बोल रहे हैं पर ऐसा होता नहीं है। तो फिर मैंने बोला कि डॉक्टर ने बोला कि पहले से ही ऑटिज्म होगा, स्क्रीन देखने की वजह से और ऑटिज्म इसका बढ़ गया होगा, तो आप स्क्रीन मत दिखाइए। 3 बार डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड को बोला कि स्क्रीन मत दिखाना, तब जाके मेरे हस्बैंड ने स्क्रीन घर पे आते ही 0 कर दी, यानी कि हम डॉक्टर के यहाँ से घर आए तभी 0 कर दी। डॉक्टर ने मेडिसिन उसके लिए दी थी
तो मैंने बोला थेरेपी, तो वो बोला पहले ये 1 महीने की मेडिसिन दो, फिर बाद में आना 1 महीने बाद। तो फिर हमने उसको 1-2 दिन मेडिसिन दी होगी, फिर हमने उसको मेडिसिन नहीं दी, क्योंकि मैंने नेट पे पढ़ा हुआ था कि ऑटिज़्म को मेडिसिन से ठीक नहीं किया जा सकता है, थेरेपी से ही उसको ठीक कर सकते हैं। तो फिर हमने उसको मेडिसिन नहीं दी, तो फिर मैंने उस पर काम चालू कर दिए। फिर कुछ दिन बाद हमने सोचा कि कहीं डॉक्टर झूठ तो नहीं बोल रहा है को माइल्ड ऑटिज़्म है, तो फिर हमने सोचा कि एक दूसरी जगह और दिखाएं। एक गवर्नमेंट की संस्था है, मतलब अर्ध सरकारी संस्था है वो, जिसमें फीस नहीं लगती है, एकदम हाई फाई फैसिलिटी है, वहाँ पे हमने झलक को दिखाया। तो वहाँ पे थेरेपिस्ट थे, थेरेपिस्ट को दिखाया, तो थेरेपिस्ट बोले कि हाँ आपकी लड़की को माइल्ड ऑटिज्म तो है ही और बहुत कम मात्रा में है, इसको थेरेपी की ज़रूरत है, आप इसको थेरेपी देने के लिए लेकर आइए। पर जो थेरेपी सेंटर था हमारे घर से 35 किलोमीटर दूर था, और मेरे हस्बैंड जॉब पर जाते थे, तो मैंने बोला हस्बैंड को कि मैं बस से चली जाया करूँगी लड़की को डेली लेके, तो बोले डेली डेली कैसे तुम जाओ। तो हस्बैंड बोले कि कहीं नहीं जाना थेरेपी सेंटर, तुम्हें जो घर पे करना है वैसे तुम ठीक करो, और थेरेपी सेंटर भी नहीं जाना है, हस्बैंड ने मना कर दिया। अब लड़की को भी सही करना था तो कैसे सही करते। फिर मैंने सोचा कि इसको कैसे ना कैसे करके ठीक करना होगा, फिर मैंने कुछ और वीडियोस देखी नेट पे, फिर वहाँ से मैंने नॉलेज लिया कि कैसा क्या है, कैसे मैं ठीक करूँ। तो फिर मुझे समझ आया कि जो जो बच्चे में प्रॉब्लम है वो थेरेपी आप दो, उन्होंने एरिया पे आप वर्क करो। स्पीच में प्रॉब्लम थी लड़की को, तो मैंने स्पीच पे काम किया, और लड़की को सोशल बिहेवियर में भी प्रॉब्लम थी उस पर भी काम किया, लड़की बच्चों को मारती थी उस पर काम किया, लोगों से आई कॉन्टेक्ट नहीं करती थी, नेम रिस्पॉन्ड नहीं करती थी, उस पर भी मैंने ध्यान दिया। और लड़की को डेली मैं बाहर लेकर जाती थी, शाम को 1 घंटे आप बच्चे को लेकर जाइए पार्क में जहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं, उससे ये फ़ायदा होगा कि बच्चा लोगों की बातों को सुनेगा, स्क्रीन से दूर रहेगा, तो बच्चा अगर बातों को सुनेगा तो उसके दिमाग में कुछ शब्द जाएंगे तो सीखेगा, समझेगा, लोग आई कॉन्टेक्ट करेगा, लोगों से डरेगा नहीं। पहले वो लोगों से डरती थी, मेरी गोदी में रहती थी, ना कोई बच्चे के साथ खेलती थी, उल्टा मारती और थी। तो फिर मैं उसको डेली डेली लेकर जाने लगी, पूरा 1 साल मैं उसको पार्क लेकर जाने लगी। पहले वो बच्चों के साथ नहीं खेलती थी, फिर धीरे धीरे वो खेलने लगी, पार्क जाते जाते 8 महीने हो गए तब वो बच्चों के साथ खेलने लगी। तो इस तरह से मैंने उसके सोशल बिहेवियर पे काम किया। फिर मैं उसको प्रेशर करती थी कि हाय बोलो आंटी को, बाय बोलो दीदी के साथ खेलो, भाई के साथ खेलो, फिर भी 8 महीने बाद वो बच्चों के साथ पार्क में खेली। फिर उसके बाद उसका मानने का बिहेवियर था तो उस पर भी मुझे काम करना था, तो फिर मैंने मानने के बिहेवियर के लिए उसको मैं घर पे ही थेरेपी देती थी, उसके हाथों पे मसाज करती थी, और उसको मैं क्ले में खेलने देती थी, जो सूखी मिट्टी है, गीली मिट्टी है, उससे बच्चा अगर हाथों से खेलता है तो वो मारता नहीं है, ये मैंने देखा था नेट पे। तो मैंने फिर यही थेरेपी दी, फिर भी बच्चे को मारती थी, पर बहुत दिन मैंने थेरेपी यही वाली थेरेपी में देती थी उसको, और अटेंशन फोकस की भी कमी थी पढ़ाई में उसके, तो मैंने इसके लिए भी घर पे थेरेपी दी। बहुत ज़्यादा थेरेपी तो नहीं, 1-2 महीने ही मैंने दी थी, तो अटेंशन फोकस के लिए मैंने उसके लिए जो ब्लॉक्स आते हैं ब्लॉक बनाने के वो दिए, उससे मैं उसको ब्लॉक बनवाती थी, और फोकस के लिए मैं उसको जो पजल रहती है ABCD वाली, तो उससे वो ABCD भी अच्छे से आइडेंटिफाई करना सीख गई, और वो पजल बनाने से उसका जो हाथ की मसल्स हैं वो भी मजबूत होने लगी और उसका अटेंशन भी बढ़ने लगा। तो इस तरीके से मैंने उसके अटेंशन पे काम किया, और सोशल बिहेवियर के लिए मैं उसको रोज़ लेके जाती थी, और स्पीच के लिए मैंने ये काम किया कि मैं उसको घर पे ही जो घर के सारे सामान हैं उनका शुरू में मैंने नाम बताया कि ग्लास, चम्मच, गैट, TV, फ़ोन, जो भी घर की चीज़ें हैं सबका नाम मैंने उसको बताया। फिर मैं उसको 2 वर्ड के सेंटेंस पे आ गई, पानी चाहिए, दूध चाहिए, यहाँ आओ, वहाँ जाना है, ऐसे करके मैं उसके लिए सेंटेंस बताती गई। और जो भी मैं कर रही हूँ पूरा दिन मैं उसको साथ में रखती थी, इंगेज रखती थी, और मैं जो भी काम करती थी पूरा दिन मैं उसको सामने बैठा के मैं उसको बताती थी कि देखो मम्मी खाना बना रही है, तो मम्मी ने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया, जीरा डाल दिया, ओनियन डाल दी, टमाटो डाल दिया, मसाला डाल दिया, अब देखो सब्जी डाल दी, अब मैं ढककर रख रही हूँ, अब मैं आटा गूंथ रही हूँ, आटे में नमक डाल दिया, मतलब मैं उसको पूरा दिन सब बताती थी। कपड़े धोती थी तो अभी देखो मैं कपड़े धो रही हूँ, ये झलक के कपड़े हैं, ये झलक का स्कर्ट है, ये झलक का पैंट है, मैं धो रही हूँ, ये पापा का है,
जो भी काम करो अपन बच्चे को पूरा पूरा बताते जाओ, और कोई भी चीज़ घर में नहीं आई है या कहीं भी जाना है, रोड पे जा रहे हैं तो भी बताओ, ये देखो ये काऊ है, ये कैट है, ये रोड पे अपन चल रहे हैं, साइकिल से भैया जा रहा है। और फिर मैं उसको बताती थी कि पापा क्या कर रहे हैं, पापा खाना खा रहे हैं, अंकल क्या कर रहे हैं, अंकल घूम रहे हैं, अंकल ने क्या किया, अंकल ने बिस्किट फेंक दिया, ये देखो ये चम्मच टूट गया, ऐसे मैं उसको बताती थी। पूरा पूरा दिन मैं मुँह चलाती रहती थी, उसके सामने बोलती रहती ताकि उसके कानों में शब्द जाएँ, उसके कानों में शब्द जाएंगे तभी तो वो बोलेगी। तो ऐसे पूरा दिन मैं बोलती रहती थी। अब ऐसे वो कोई चीज़ इशारों में पहले लेती थी, ऐसे प्लेट लेकर खड़ी होती थी खाने के लिए चाहिए, तो मैं बोलती थी पहले बोलो कि एप्पल चाहिए तभी मैं एप्पल दूंगी, तो जबरन उसको बोलना था एप्पल चाहिए एप्पल चाहिए, तो जबरन वो बोलती थी फिर। और फिर मैंने उसको इस पे आ गई कि मुझे एप्पल चाहिए, मम्मी एप्पल दे दो, मम्मी एप्पल काट के दे दो, ऐसे ऐसे मैं उसके सेंटेंस बढ़ाती गई तो वो ऑटोमेटिक ही बोलने लगी। बच्चा इसलिए नहीं बोलता है क्योंकि वो स्क्रीन देखता है, तो उसने चीज़ें सुनी नहीं होती हैं, तो बच्चा नहीं कैच कर पाता है वो वर्ड को, सेंटेंस को यूज़ नहीं कर पाता है। तो धीरे धीरे वो खूब बोलने लगी। और फिर मैंने उसको जो थेरेपी दी थी, जो खेलने के लिए मिट्टी से खेलने के लिए, उससे वो मारना भी उसने बंद कर दिया। तो एक साल में वो स्कूल में एडजस्ट हो गई थी। अलग से स्कूल में कैसे एडजस्ट हुई अलग से मैं वीडियो बना के आपको डाल दूँगी। तो ये काम मैंने उस पर किया। फिर वो लिखती नहीं थी, तो फिर मैं उसको खूब लिखवाती थी पर लिखती नहीं थी। फिर मैंने उसको ट्यूशन लगा दी, तो ट्यूशन जाने से सब बच्चों को देखती थी उस माहौल में, तो फिर वो लिखने लगी थी देख देख कर सब बच्चों के। पहले वो ट्यूशन भी नहीं बैठती थी, शुरू के एक महीने तक ट्यूशन में भी वो खूब ही ज़्यादा रोती रहती थी, फिर वो बैठने लगी थी। और फिर मैं उसको बाहर लेके जाती थी, सब लोगों से इंट्रोड्यूस करवाती थी, तो फिर वो धीरे धीरे और लोगों से इंट्रैक्शन करने लगी थी। पहले वो क्वेश्चन नहीं करती थी, अपने क्वेश्चन का आंसर कर देती थी कि मैं आप क्या खा रहे हो, तो बिस्किट किस कौन लाया था, तो वो कोई क्वेश्चन ही नहीं करती थी। मैं कुछ पूछती थी तो उसका आंसर तो वो कर देती थी, पर वो उस पर वो ट्यूशन जाने लगी तो वहाँ पे कुछ कुछ बच्चे क्वेश्चन करते होंगे टीचर से, तो वो इस तरीके से वहाँ ट्यूशन जाके वहाँ से क्वेश्चन करना सीख गई थी। और अभी बात वो क्यों वाले क्वेश्चन पहले नहीं करती थी, जब 5 साल की हो गई तब जाके वो क्यों वाले क्वेश्चन करती थी। तो स्पीच उसकी डिले थी, अभी उसकी स्पीच काफ़ी अच्छी है। अभी भी उसमें एक प्रॉब्लम है कि वो अभी भी वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल पे सही से बात नहीं करती है, जिस तरीके से करनी चाहिए उस तरीके से बात नहीं करती है। नॉन स्टॉप तो वो बोलती है, अभी आपने वीडियो देखी, और आपको और भी वीडियो देखना है तो आप मुझे बता सकती हैं। तो इस तरीके से मैंने उस पर वर्क किया, खासकर मेन चीज़ है स्पीच लैंग्वेज, तो उस पर आप काम करिए। उस पर अगर आप काम करेंगे तो आपके बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपका बच्चा रोएगा नहीं, जिद नहीं करेगा, क्योंकि बच्चा बता नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है, अपनी बातें एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो रोने लगता है, जिद करने लगता है। तो आप अगर उसको बताएंगे क्या चीज़ क्या है तो वो बता पाएगा। अभी झलक को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो बता पाती है। कल उसको खुजली चल रही थी तो उसने बताया, मम्मी मुझे खुजली चल रही है, मुझे क्रीम लगा दो। और पहले वो नहीं बता पाती थी क्योंकि बच्चा बोल ही नहीं पाएगा, कैसे बताएगा। अभी उसको कुछ भी शरीर में प्रॉब्लम होती है तो वो बता देती है, स्कूल जाती है वहाँ से आती है क्या किया क्या खाया क्या पिया वो बताती है, वो पहले नहीं बताती थी। और मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि डॉक्टर ने उसको माइल्ड ऑटिज्म बताया है तो घर पे ही वो इस तरीके से ठीक हो सकती है, क्योंकि मेरे अंदर विश्वास था, क्योंकि मैंने एक वर्चुअल ऑटिज्म की पड़ोसी लड़की को देखा हुआ था, इसलिए मुझे विश्वास आया कि हाँ वर्चुअल ऑटिज्म भी कुछ होता है। देखोगे कि आजकल ज़्यादातर वर्चुअल ऑटिज्म ही बच्चों को हो रहा है, क्लासिक ऑटिज्म बहुत ही ज़्यादा कम हो रहा है, क्योंकि स्क्रीन ज़्यादा बच्चे देखने लगे हैं, पेरेंट्स बिजी रहने लगे हैं, न्यूक्लियर फैमिली हो गई है जिसके लिए सब बिजी रहते हैं, तो बच्चे को स्क्रीन दे देते हैं तो बच्चा स्क्रीन देखता है, बाहर की चीज़ें नहीं देखता, सुनता समझता, इसकी वजह से उसमें ऑटिज्म के सिम्टम्स आने लगते हैं। देखिए अगर आपका बच्चा स्क्रीन देखता था या देखता है और उसमें ऑटिज्म के सिम्टम्स आने लगे हैं, तो आपके बच्चे की स्क्रीन जीरो करेंगे और आप उस पर काम करेंगे तो आपका बहुत
तो आपका बच्चा अभी बोलने लगेगा, नॉर्मल बिहेवियर करने लगेगा, ठीक होने लगेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और आपको अगर कोई और भी जानकारी लेना है, मुझसे पर्सनल बात करना है, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। ममता जी या क्रिएटिविटी मेरी आईडी है, और मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डालती हूँ इंस्टाग्राम की, और जो चैनल का बायो है उसमें भी मैंने लिंक डाली हुई है, तो वहाँ से आप मुझसे बात कर सकते हैं। और इस वीडियो के बारे में या कुछ और आपको पूछना है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।